वेलकम टू हेल्दी हो। मैं डॉक्टर राहुल वर्मा, मैं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे हैंड वॉशिंग के बारे में कि हमको हाथ कैसे साफ करने। आजकल बहुत सैनिटाइजर्स और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पर एक चीज़ आपको समझनी है, साबुन और पानी से जो हाथ सही तरीके से धोया जाता है उसका कोई तोड़ नहीं है। सैनिटाइज़र उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, उसका एक ऑल्टरनेटिव है, बट डेफिनेटली किसी भी समय पे अगर साबुन और पानी से प्रॉपर तरीके से जो स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग कहते हैं, 6 स्टेप्स होते हैं जो आजकल आप कई जगह टीवी में ऐड में भी देख रहे होंगे, वो अगर हम फॉलो करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीका है बजाय कि हैंड सैनिटाइज़र को यूज़ करने का। हाँ, कहीं आप ऐसी जगह फंस गए हैं जहाँ पानी नहीं है आपके पास तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, बट कोशिश हमारे रहेगा कि हैंड वॉशिंग। और एक चीज़ समझना, हैंड वॉशिंग सबसे बड़ा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है हमारे पास, जिसके जरिए हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो एक हैबिट है जो हमें भी होनी चाहिए और हमें अपने बच्चों को भी पास ऑन करनी है। सो दो ही चीज़ें जो आपके बच्चे को बीमारियों से सबसे ज़्यादा तरीके से बचा सकते हैं, क्योंकि सबसे कॉमन क्वेश्चन जो पेरेंट्स के माइंड में आता है कि हम बच्चे की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएँ। आजकल इन्फेक्शन इतने हो गए हैं, एलर्जीज इतनी है, तो दो ही चीज़ें जो आपके हाथ में है कि न्यूट्रिशियस खाना, और उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सुबह जो ब्रेकफास्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप रात भर खाली पेट रहे हैं, 10-12 घंटे हो गए, और अगर आपने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और सीधा, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से फाइट करना है, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आप अगर बड़े हैं आप ऑफिस से जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा कॉमन एरिया है कि आसपास किसी को भी खांसी जुकाम है तो वो वायरसेज है, वो आपकी बॉडी को अटैक करेंगे। तो अब आपकी बॉडी कितना अच्छे से उससे फाइट कर पाती है वो आपकी इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है। सो ब्रेकफास्ट हैज़ टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और जितना हैवी मील होगा वो हमारे लिए बेटर है। हैंड वॉशिंग हम जितना फ्रीक्वेंटली फॉलो करेंगे, ये दो तरीके हैं जो आपको बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करेंगे। और हेल्दी जानकारी के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हेल्थी हो।